हेलो दोस्तों, रफीकुल डिज़ाइंस एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले तो आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, और एक बात मुझे आप लोगों को बताना है, मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल का लोगो चेंज किया है, क्योंकि पुराना वाला जो लोगो था वो बहुत अटपटा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा लोगो लग रहा था, समझने में थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए एकदम सिंपल और ईजी लोगो मैंने बनाया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये किस चैनल पर आ गए हम लोग। तो ये मेरा ही चैनल है, और लोगो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये iOS 16.1 के ऊपर है। तो फाइनली iOS 16.1 का अपडेट आ गया है, और बहुत सारे बग फिक्सेस वगैरह किए गए हैं, और कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं। तो उसके बारे में आगे वीडियो में आप लोगों से बातें करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे iPhone 12 में iOS 16.1 का 1.01 GB अपडेट आया है, आप लोगों का भी इसी के आसपास रहेगा अपडेट। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा WWDC में एक फीचर के बारे में बताया गया था, शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी। तो उसको इस 16.1 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और कुछ बग फिक्सेस वगैरह किया गया है, और थर्ड पार्टी एप्स में लाइव एक्टिविटीज़ का सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया गया है। अगर आप लोगों को कोई iOS अपडेट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको डाउनलोड मत कीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आप लोग एप्पल से एग्री नहीं करते हैं तो एप्पल का कोई प्रोडक्ट आप लोग यूज़ मत कीजिए, ऐसा लिखा गया है। अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद चुके हैं लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप लोग उसे रिटर्न कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ लिखा गया है, लेकिन एप्पल कुछ नहीं बदलेगा आपके लिए। और दोस्तों, यहाँ पे पुराने वाले अपडेट का बिल नंबर आप लोग देख सकते हैं 28392, और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्टोरेज देख सकते हैं 42.75 GB। और नया वाला अपडेट का बिल नंबर यहाँ पे चेंज किया गया है, और अवेलेबल फ्री स्टोरेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 49.79 GB हो गया है। तो यहाँ पे करीब 7 GB के आसपास अवेलेबल फ्री स्टोरेज भर गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अपडेट से पहले 85.1 GB का डेटा यूज़ किया गया था 128 GB में से, और अपडेट के बाद आप लोग देख सकते हैं 75.5 GB यूज़ किया है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे अपडेट के पहले का देख सकते हैं आप लोग 15 GB के आसपास सिस्टम डेटा है, और अपडेट के बाद यहाँ पे कम हो गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे 7 GB का अवेलेबल फ्री स्टोरेज भर गया है, और इस अपडेट में कोई स्टोरेज बग मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग मेरा बैटरी हेल्थ चेक कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 98% हो गया था, पिछले अपडेट में 99% था एक साल के बाद। तो यहाँ पे 1% और कम हो गया है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक साल चला गया उसके बाद 98%, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लोगों का भी बैटरी हेल्थ ऐसे ड्रॉप होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैं डेली बेसिस में BGMI वगैरह खेलता हूँ, तो इसीलिए बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को ये वाला अपडेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबको करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी अपडेट वगैरह है, बग फिक्सेस किया गया है, और कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं। और भी कुछ फीचर्स है जिसके बारे में मैंने वीडियोज़ में नहीं बताया। तो आप लोग बैटरी इंडिकेटर देख सकते हैं, बैटरी इंडिकेटर में भी चेंज किया गया है। तो पहले आप लोगों को फ्लैट आता था, मतलब परसेंटेज तो दिखाता था लेकिन फ्लैट कलर में आता था, कोई चेंज नहीं था। अभी बैटरी इंडिकेटर में परसेंटेज के साथ उसका बैटरी ड्रेन होने का प्रोसेस भी दिखाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये वाला अपडेट तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन दे रहे दुरुस्त है, जो भी हो फाइनली आ तो गए। बाकी वैसे ही और एक दो फीचर आए हैं, लॉक स्क्रीन में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, एकदम माइनर चेंजेस। तो उसके बारे में बता के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आप लोगों को अबाउट सेक्शन में जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है, और सभी अपडेट में मैं ऐसे ही आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।